चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ मैक्रोनी टोस्ट। तो जैसे कि आपने देखा, ये मैक्रोनी मैंने बॉयल करके रख दी है। बॉयल करते समय मैंने आधे लीटर पानी में दो, देखिए ये मैक्रोनी में मैंने आधे लीटर पानी में दो कटोरी मैक्रोनी और थोड़ा सा नमक में इसको बॉयल किया है, जिससे कि ये चिपके नहीं। ये देखो अलग अलग बिखर रखी है। और अब मैं इसको बनाने जाऊंगी। तो देखिए, बनाने के लिए मैंने तड़के में रखा है एक छोटा कटा हुआ प्याज, दो छोटी कटी हुई शिमला मिर्च और एक टमाटर और दो हरी मिर्ची बारीक कटी हुई। और इसके तड़के के लिए मस्टर्ड रखी हुई है, ये सीड, सरसों का बीज और ये रखा है मैंने कड़ी पत्ता। तो देखिए अब मैं इसको बनाने जा रही हूँ। देखिए, ये कढ़ाई में मैंने दो चम्मच के बराबर ये ऑयल रखा हुआ है। ये देखिए, इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं। गर्म होने के बाद मैं इसमें रखूंगी मस्टर्ड की सीड्स और ये कड़ी। ये ऑयल गर्म हो गया। अब इसमें मैंने ये कड़ी पत्ता और मस्टर्ड सीड रख दी। इनको थोड़ा सा देर रहने देते हैं। देखिए, ये कड़ी पत्ते को थोड़ा सा कालापन आने देंगे। अब देखिए ये इस तरह से इसकी पत्तियां ब्राउन हो गई हैं। ये अब मैं इसमें डालूंगी ये कटा हुआ प्याज। थोड़ा देर इसको चलाकर रख देती हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर और हरी मिर्ची और इसी टाइम में इसमें डालूंगी स्वाद अनुसार नमक, जितना भी आप नमक पसंद करते हो उस हिसाब से। अभी इसको थोड़ा देर और भूनने देते हैं, फिर मैं इसमें रखती हूँ शिमला मिर्ची। ये देखिए, ये भून चुका है थोड़ा बहुत। अब मैं इसमें शिमला मिर्च रख रही हूँ, थोड़ा बनने देंगे। मैक्रोनी बनाने का ये बहुत ही इजी तरीका है, घरेलू तरीका, जिसमें कि अब मैं रख देती हूँ थोड़ा सा हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्ची। और मेरे बच्चों को पसंद है मैगी मसाला, तो मैं इसमें मैगी मसाला भी रख दूंगी, दो छोटे पाउच तरह से। ये देखिए, मैगी मसाला डालकर कितना अच्छा इसका फ्लेवर आ चुका है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। थोड़ी देर शिमला मिर्च को पकने देती हूँ। ये देखिए शिमला मिर्च बन गई है, ये इसमें गल गई है। अब मैं इसमें रखती हूँ चार चम्मच टमाटो सॉस इस तरह से। और थोड़ा सा एक दो चम्मच विनेगर। इसको अच्छे
अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए दोस्तों कितना सुंदर फ्लेवर मैक्रोनी में आ चुका है और कितने इजी तरीके से और कितनी जल्दी टाइम में ये बन चुकी है मैक्रोनी। आप इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं आज मैक्रोनी टोस्ट बना रही हूँ, तो मैं इसको टोस्ट में रख के आपको दिखाऊंगी इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमारी मैक्रोनी बनके तैयार हो गई है। ये देखिए ये मैंने ब्रेड ली हुई है, इसमें सबसे पहले मैं मेयोनीज लगाती हूँ। इस तरीके से मेयोनीज की फिलिंग कर लेंगे पहले पूरी। फिर मैं इस टमाटो सॉस की फिलिंग करूँगी इस तरह से। अब इस में टमाटर और थोड़ा सा प्याज इस तरह से लगा दूंगी। अब मैं इसमें मैक्रोनी रखूंगी। अब इसके ऊपर में दूसरी ब्रेड को इस तरह से रख कर और इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी। मैंने नीचे वाली ब्रेड पे भी इसी तरह से ऑयल लगा रखा है ताकि ये हमारी टोस्ट मशीन पे चिपके नहीं। और अब मैं इसको इस टोस्ट मशीन के अंदर इस तरह से फिट करूँगी। और इसको मैं बंद कर देती हूँ। तो ये बन गए मैक्रोनी टोस्ट, ये तैयार हो गए। देखो इनका कितना अच्छा फ्लेवर आया हुआ है। अगर आपको मैक्रोनी ऐसे सादी भी खानी है तो आप खा सकते हो। और अब देखिए ये टोस्ट को मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखो कितना अच्छा इसका फ्लेवर है, कितना टेस्टी ये बना हुआ है। इस तरह से आप इसको ले सकते हो, खा सकते हो। ये देखिए इस तरह से। तो दोस्तों जो भी आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, आपको पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स में लिख भेजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू।